नमस्कार। संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं BSc BEd के 2022 के एग्जाम्स की। तो देखिए, BSc BEd के अंदर BSc पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर बात करें तो आज अपन बात करेंगे सेकंड पेपर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, सेकंड जो पेपर रहेगा अपना वो किसका रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास में 5 यूनिट जो है वो किस प्रकार से रहेंगी मैं आपको बता देती हूँ। फिर अपन बात करते हैं इन 5 यूनिट के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यूनिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखी है अपने, रिएक्शन है मैकेनिज्म। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अपन को पढ़नी है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए क्या बोल सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए मैं कहना चाहूंगी विक्रिया की क्रियाविधि। सेकंड जो यूनिट है वो क्या दे रखी है अपने, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें यानी अपन को यहाँ पर तो क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। और यहाँ जो है ये क्या पढ़ना है अपन को, त्रिविम रसायन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड जो यूनिट है वैसे बेसिकली अगर बात करें तो इसमें अपन को पढ़ने पड़ते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में यानी सबसे पहला क्या पढ़ना है अपन को, एल्केन पढ़ना है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट टॉपिक अपने पास है वो क्या रहेगा अपना, नॉर्मल एल्केन। सेकंड जो टॉपिक है वो रहेगा अपने पास में साइक्लो एल्केन। ठीक है, एल्केन और साइक्लो एल्केन। उसके बाद जो टॉपिक है वो अपने पास रहता है कौन सा, एल्कीन। उसके बाद जो टॉपिक है वो क्या रहता है अपने पास में, एल्काइन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है वो क्या रहता है, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है अपने पास में, एल्का डाइईन। ठीक है, यानी अपन को टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। अब ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी जो है उनमें से कितना क्वेश्चन हो जाएगा अपना, 1। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास में कौन सा दे रखा है, एरोमेटिकता। ठीक है, एरोमेटिसिटी, यानी क्या पढ़ना है अपन को, एरोमेटिकता है वो क्या होती है, यानी बेसिकली अपन को यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेंजीन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो अपने पास में कौन सा टॉपिक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और क्या पढ़ना है अपन को, एरिल हैलाइड। ठीक है, ये 5 जो यूनिट है ये आपके दे रखी है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए, हर एक यूनिट में से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है वो अपने पास में क्या दे रखी है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, तो अपने कहा नॉर्मल अपन को पढ़नी है अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, सबसे पहला यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने पड़ते हैं तीर संकेत, एरो साइंस पढ़ने पड़ते हैं, कि जैसे इस तरह का एरो होता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इस तरह इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, इस तरह से। ये किसको बताता है, अभिक्रिया की दिशा। ये किसको बताता है, साम्यावस्था। देखिए, ये तो नॉर्मल है। अब आता है सबसे पहले कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कब होती है, जब उसमें क्या पाया जाता है, बंध का विखंडन यानी बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है अपना, बंध विखंडन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो अपन पढ़ेंगे बंध विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक होता है होमोलाइटिक समांश विखंडन, एक होता है विषमांश हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। जैसे अगर दो के बीच में बंध बीच में से टूटता है तो वो तो कौन सा है, समांश। और अगर बंध के इलेक्ट्रॉन एक तरफ स्थापित हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है अपने पास में, विषमांश विखंडन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास में आता है कि जब बंध विखंडन होता है अपने पास में तो यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ बनेंगे अपने पास में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन स्नेही और क्या बनेंगे, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं अभिकर्मकों के प्रकार। देखो, अभिकर्मकों के प्रकार जो है तो अपन को इसमें 2 चीजें पढ़नी है, एक अपन को क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी क्या पढ़ने हैं अपन को, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इनको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और एक जो है वो अपन को पढ़ने होते हैं क्या, नाभिक स्नेही, यानी क्या पढ़ने पड़ते हैं अपन को, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
फिर ये भी दो टाइप के हैं, फिर ये भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, ये अपन को पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब यहाँ पर बॉन्ड का विखंडन हो गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने से पहले जो स्पीसीज बनती हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती। अपने सिलेबस में 6 मध्यवर्ती अपन को दे रखे हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, कार्बो कैटाइन, ठीक है, कार्ब धनायन क्या होते हैं। दूसरा क्या दे रखा है अपने पास में, कार्ब ऋणायन, ठीक है, कार्बन पे प्लस होता है तो कार्बो कैटाइन, कार्बन पे क्या होता है माइनस, तो कार्ब ऋणायन। थर्ड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कार्ब मुक्त मूलक, ठीक है, यानी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन हो तो फ्री रेडिकल। उसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखी है अपने पास में, कार्बिन। इसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखी है, नाइट्रीन। और लास्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखी है अपने पास में, बेंजाइन, ठीक है। ये जो है ये 6 क्या दे रखे हैं अपने, इंटरमीडिएट दे रखे हैं जो अपन को पढ़ने हैं। अगर बात करें अपन ने नेक्स्ट की, तो मध्यवर्ती के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो अपन को पढ़ने पड़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टोटल कितने टाइप की हैं अपने पास में, 4। पहली रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशनल योगात्मक। दूसरी कौन सी होती है, एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया। तीसरी जो होती है वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। और लास्ट जो होती है वो क्या कहलाती है, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि किसी भी अभिक्रिया में एक तो क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, और एक जो है अभी पढ़ के आए अपन क्या बनेंगे, मध्यवर्ती। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। फिर आता है किसी भी यहाँ पर अपने पास में कोई भी आयन है तो उन आयनों पर क्या निकालना होता है अपन को, फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, आयन पर भी दे सकता है या अणु पर भी। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आता है कि कोई भी अपने पास में क्रियाविधि है तो उस क्रियाविधि का निर्धारण अपन किस तरह से करते हैं, तो क्या आता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर निर्धारण के लिए टोटल कितनी विधियां पढ़नी है अपन को, 3। फर्स्ट जो विधि है वो कौन सी पढ़ते हैं अपन, समस्थानिक विधि, ठीक है। दूसरी जो है वो क्या पढ़ते हैं अपन, त्रिविम विधि, ठीक है, स्टीरियो रिएक्शन पढ़ सकते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप विधि पढ़ सकते हैं, और जो लास्ट विधि है वो क्या है, उत्पाद को देखते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं, उत्पाद विश्लेषण विधि। बस फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 2, ठीक है। बात करते हैं अब अपन सेकेंड यूनिट की। देखिए सेकेंड यूनिट के अंदर अगर अपन बात करें तो सेकेंड जो यूनिट है वो अपने पास में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी अपन को क्या पढ़ना है इसमें, त्रिविम रसायन। देखिए त्रिविम रसायन में सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए अपन को, समावयवता क्या होती है, ठीक है। समावयवता में अपन को 2 पढ़नी है, तो क्या पढ़नी है, सबसे पहले एक जो समावयवता है वो तो अपन को कौन सी पढ़नी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता, और एक तरफ जो पढ़नी है वो अपन को क्या पढ़नी है, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता जो होती है उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना जानना चाहिए, सम्मिति तत्व है। 3 सम्मिति तत्व दे रखे हैं, वो तीनों जिसमें अनुपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवता देते हैं। अब प्रकाशिक समावयवता जब देते हैं तो प्रकाशिक समावयवती कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक जो होते हैं वो तो बोलते हैं इनन्शियोमर्स, जिन्हें बोला जाता है प्रतिबिंब समावयवी, ठीक है, और एक जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विवरिम समावयवी, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, या फिर क्या बोला, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, और एक जो होते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, विवरिम समावयवी। विवरिम समावयवी हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है कौन सा, एरिथ्रियो, और एक जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, थ्रियो। तो आपको नॉर्मल से ये सब पढ़ने हैं। प्रकाशिक समावयविता कौन देता है, तो अपन ने कहा 3 क्या पढ़ लेंगे, सम्मिति तत्व, कितने प्रकार की होती है, 2, दर्पण और विवरिम।
दर्पण प्रति समावयवी में एक की रेल के अंदर भी हो सकता है, एक से क्या हो सकता है, ज्यादा। विवरीम के लिए पहली कंडीशन है कि कितने की रेल कार्बन होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सममिति तत्व जब होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए, तब वो क्या देते हैं, प्रकाशीय के समावयवता। लेकिन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे दो टाइप के यौगिक, क्या पढ़ेंगे, ऐसे यौगिक जिसके अंदर क्या पाया जाता है, किरेल के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। किरेल के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित, लेकिन फिर भी वो क्या देते हैं, प्रकाशीय के समावयवता देते हैं, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे ये, कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, दो। दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऐसे यौगिक पढ़ेंगे जिसके अंदर किरेल के अंदर नहीं होते, ठीक है, किरेल के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं देते, प्रकाशिक समावयवता नहीं देते, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता नहीं देते, क्या पढ़ने हैं अपन को, देखो जी यहाँ क्वेश्चन आते हैं दो, कौन कौन से यौगिक, एक तो आते हैं कौन से, बाईफेनिल यौगिक, ठीक है। ये क्या होते हैं बाईफेनिल, जिसमें दो बेंजीन वाले होती हैं, दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ी भी होती हैं, एक भी किरेल कार्बन नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या देते हैं, वो प्रकाशिक समावयवता। दूसरे जो यौगिक हैं वो कौन होती हैं, एलीन, ठीक है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या होते हैं, लगातार होते हैं। यहाँ पर देखिए किरेल के अंदर होते हैं फिर भी क्या नहीं देते, प्रकाश समावयवता। यहाँ पर भी दो हैं, एक यहाँ पर कौन से पढ़ेंगे अपन, मिजो यौगिक, और एक यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रेसेमिक मिश्रण, ठीक है। ये दोनों ही ऐसे होते हैं जिसमें किरेल केंद्र होते हुए भी ये क्या नहीं देते, प्रकाशिक समावयवता नहीं देते, ठीक है। अब देखिए प्रकाशिक समावयवता के अंदर अगर बात करें तो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ने हैं, अपन को कंपाउंड पढ़ने हैं। कंपाउंडों के लिए क्या पढ़ने हैं अपन को, देखिए एक पढ़ना है विन्यास, विन्यास भी दो प्रकार के हैं, एक विन्यास कौन सा है, सापेक्ष, एक विन्यास कौन सा है, निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष विन्यास में क्वेश्चन पढ़ेंगे किसका, डी और एल नामकरण का, निरपेक्ष में पढ़ेंगे किसका, आर और एस। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, हर साल एग्जाम में आर और एस नामकरण का क्वेश्चन आता है, लेकिन आर और एस नामकरण के लिए आपको दो सूत्र दे रखे हैं, एक जो सूत्र है वो तो दे रखा है कौन सा, वेजडेस सूत्र, ठीक है, और एक जो सूत्र है वो कौन सा दे रखा है, फिशर सूत्र। इन दोनों के अंदर आपको निकालने हैं, वेजडेस सूत्र का मतलब कार्बन जो होते हैं वो इस तरह से बंद बनाएगा, और फिशर सूत्र को अपन सिंपल ऐसे, और जहाँ ये लाइनें काटती हैं वहाँ क्या मानते हैं, किरेल। एक किरेल अणु के अंदर भी आरएस पूछ सकता है, और ऐसे अणुओं में आरएस नामकरण पूछ सकता है जिसके अंदर किरेल कार्बन एक से क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये तो पूछे जाते हैं किसके, प्रकाशिक समावयवता के। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किसका आता है, ज्यामितीय समावयवता का। देखो ज्यामितीय समावयवता भी अपन को दो कंपाउंडों में देते हैं, एक जो कंपाउंड है वो तो कौन से दे रखे हैं, बहुबंध, यानी जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसके कारण, और एक जो दे रखे हैं वो किसके कारण दे रखे हैं, चक्रीय यौगिकों के कारण। डबल बॉन्ड वाले में देखिए दो कंपाउंड है, एक तो अपन को किस में पढ़नी है, एल्कीन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और एक अपन को पढ़नी है क्या, ओगजीम में। ओगजीम क्या होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ओगजीम में भी देखो इधर दोनों ही हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एल्डोगजीम, और अगर दोनों तरफ आर है तो ये क्या हो जाएगा, किटोगजीम, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़नी है एल्कीन जो होती है उसमें तो अपन क्या पढ़ते हैं, सिसोर ट्रांस, ठीक है, और इनके अंदर वर्ड काम में लिए जाते हैं क्या, सिन और एंटी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं अपन को कि ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार से होती है। ज्यामितीय समावयवता की अगर बात करें तो इनका नामकरण जैसे आर एस पढ़ा था वैसे यहाँ पर कौन सा नामकरण पढ़ना है, ई और जेड नामकरण, ठीक है। यहाँ तक हो गया ज्यामितीय समावयवता के क्वेश्चन। सूत्रों की बात करें तो जैसे अपन ने वहाँ पर वेजडेस और फिशर सूत्र पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर कौन से सूत्र पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कौन सा सूत्र है, न्यूमान, और एक कौन सा सूत्र पढ़ते हैं, साहोर्स, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सहरूपण और विन्यास में अंतर क्या होता है,
ये तो है कॉन्फ़िगरेशन, ये है कन्फर्मर्स। आपके सिलेबस में कौन कौन से कन्फर्मर्स दे रखे हैं? एक तो दे रखा है किसका, एल्केन का, ठीक है। एक किसका दे रखा है, ब्यूटेन का, और एक किसका दे रखा है, साइक्लोहेक्जेन का, ठीक है। साइक्लोहेक्जेन के सबसे ज़्यादा पूछता है, जिसमें दो आते हैं, एक तो कौन सा आता है खुरसी रूप और एक कौन सा आता है नौका रूप, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अपने रिलेटेड है किससे, सेकेंड यूनिट से। आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन हैं वो आराम से हो जाएंगे, दो क्वेश्चन हो जाएंगे इस यूनिट में से। अब देखिए थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में देखिए अगर अपन बात करें टॉपिक्स की, तो एक तो है अपने पास में एल्केन और साइक्लो एल्केन। देखो या तो या आप ये वाला टॉपिक पढ़ें, ठीक है, और या फिर इसके साथ में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो अपन ने बताया एल्कीन, एल्कीन के साथ में क्या पढ़ सकते हैं, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। एक अपने पास में क्या हो जाएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, और एक अपने पास में क्या हो जाएगा, एल्का डाइईन, ठीक है। ये कंपाउंड्स है। देखो जनरल अगर मैं बात करूँ इन सब की, तो क्या क्या पढ़ना है, सिंपल सबसे पहले इनका क्या आना चाहिए आपको, नामकरण। इधर भी क्या आना चाहिए, इनका नामकरण आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या पूछी जाती है, इसमें समावयवता कौन सी होती है। यहाँ पर भी नॉर्मल क्वेश्चन किसका पूछ सकते हैं, समावयवता का। ये दोनों कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनते हैं कि यहाँ पर इनके निर्माण की विधियाँ क्या है, ठीक है। तो निर्माण की एल्केन की विधियाँ अलग हैं, एल्कीन की अलग है, एल्काइन की अलग है, सबकी अलग अलग विधियाँ हैं, उनमें से आपको एक दो रिएक्शनें आनी चाहिए। ऐसे ही इधर भी बात करें तो क्या पढ़नी है अपन को, इनके निर्माण की विधियाँ, ठीक है। निर्माण की विधियाँ पढ़ ली तो फिर आनी चाहिए इनके अपन को केमिकल रिएक्शंस, यानी क्या आनी चाहिए, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है इनका, इम्पोर्टेंट, यानी एक तो अपन को आनी चाहिए इनकी विधियाँ, और एक इनकी क्या आनी चाहिए अपन को, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखो जब एल्केन पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, हेलोजनीकरण, ठीक है। हेलोजन कैसे जुड़ता है एल्केन के साथ में यहाँ पर, और प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, इनकी सापेक्ष क्रियाशीलता का, ठीक है, कि कौन सा हेलोजन है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है ज़्यादा। साइक्लो एल्केन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है किसका, बेर का विकृतिवाद सिद्धांत, ठीक है, कि कौन सी वले जो होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, जिसमें अपन कहते हैं पाँच और छः सदस्य वले क्या होती है, ज़्यादा स्थायी। इधर देखिए बात करते हैं जब एल्कीन की, तो एल्कीन के अंदर एक जो क्वेश्चन आता है वो तो आता है एल्कीनों का क्या बताओ, आपेक्षिक स्थायित्व बताओ, ठीक है। आपेक्षिक स्थायित्व के साथ साथ यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम वगैरह क्या होता है, अलग अलग हेलोजनों के प्रति इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है अलग अलग। स्थायित्व की बात करें या इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ नियम आएंगे कौन से, एल्कीन जब बनती है तब तो नियम काम में आते हैं कौन से, सैत जेफ, और कौन से नियम काम आएंगे, हाफ मान नियम। और एल्कीन जब रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो नियम आएंगे कौन से, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ, ठीक है। तो ये वाले नियम जो हैं अपन एल्कीन वाले ये थोड़े से ध्यान रखेंगे, बाकी नॉर्मल रिएक्शंस हैं, इनके निर्माण की विधियाँ रखनी है और उनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट देखिए क्या दे रखी है अपन को, एरीन और एरोमेटिकता, एरोमेटिकता। देखिए एरीन और एरोमेटिकता क्या होती है, सबसे पहले अपन बात करें एरोमेटिक यौगिक होता है बेंजीन, इस पर कोई भी ग्रुप अपन जोड़ दें एलिफेटिक, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों जब मिल जाते हैं इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एरोमेटिकता का डिफाइन कैसे करते हैं, तो अपन ने कहा इसके लिए अपन पढ़ते हैं हक्कल का नियम, ठीक है, यानी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। हक्कल के अनुसार यौगिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन। एक जो यौगिक हैं वो तो कौन से होते हैं, एरोमेटिक। एक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक। और तीसरे जो होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, ये तीनों अपन को पढ़ने हैं कि एरोमेटिक किसको कहते हैं, नॉन एरोमेटिक किसको कहते हैं और एंटी एरोमेटिक किसको कहते हैं। इसके बाद में आती है बेंज, कि यहाँ पर पहला जो कंपाउंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में क्या पढ़नी है अपन को, इसकी निर्माण की विधियाँ। ठीक है, और निर्माण की विधियों के साथ साथ क्या पढ़नी है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की अपन बात करें तो क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रियाएं देता है, तो अपन ने कहा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन भी कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, बेंजीन। दूसरा कंपाउंड क्या दे दें, एल्किल बेंजीन। बेंजीन पे क्या जोड़ दे, कोई ग्रुप आर जोड़ दे। ठीक है, तीसरा कंपाउंड क्या पढ़ना है अपन को, बेंजीन पे क्या जोड़ दे, कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। फिर क्या पढ़ सकते हैं, बेंजीन पे क्या दे दे अपन को, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक है, और एक बेंजीन जो है उस पे क्या जोड़ दे, बेंजीन जोड़ दे, यानी बाईफेनिल यौगिक। तो इसकी कुछ नेम रिएक्शंस हैं वो पढ़नी है, जैसे बाईफेनिल यौगिकों में उल्मान अभिक्रिया आ गई, राइमर-टिमान अभिक्रिया आ गई, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट की, नेक्स्ट यूनिट नहीं, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरा, कि यहाँ पर क्या पढ़ना है। देखिए, एक तो पढ़ना है अपन को बेंजीन की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपन ने कहा बेंजीन की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है अपन को, अपन ने कहा ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर इस बेंजीन पर अभिक्रिया करा दे किसकी, नाइट्री एसिड की, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण, यानी बेंजीन पर क्या जोड़ देना है, एनोटो ग्रुप। दूसरी अभिक्रिया याद रखनी है कौन सी, सल्फोनीकरण। सब पांच कंपाउंड बताए थे, सबकी बेसिक रिएक्शन यही है, तो अपन ने कहा बेंजीन पर क्या जोड़ दे, SO3H। तीसरी क्या कहलाती है, हेलोजनीकरण। हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण। नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, एल्किल या फिर एरिल अभिक्रिया। ठीक है, ये अपन को पढ़नी है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक पढ़े इस पर तो अपन ने कहा और क्या पढ़ सकते हैं, तो अपन ने कहा और अपन पढ़ेंगे इस पे प्रतिस्थापियों, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, क्या कि बेंजीन जब है तो इसमें से कोई सा भी ग्रुप हटा दो, सब हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले से एक ग्रुप हटा के कोई ग्रुप जोड़ दिया जेड, अब अपन को दूसरा ग्रुप जोड़ना है, तो इसके लिए अपन दो प्रभाव पड़ेंगे, एक होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी और एक जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटा निर्देशी। कि आने वाले ग्रुप को अगर ऑर्थो और पैरा पे जोड़ने का निर्देश देता है वो तो क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी, और अगर मेटा स्थिति पर जुड़ने का निर्देश देता है तो मेटा निर्देशी। ठीक है, बेंजीन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अगर किसी ग्रुप के जोड़ने पर इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की दर बढ़ जाती है तो ऐसे समूह है क्या कहलाते हैं, सक्रियणकारी, और अगर दर घट जाती है तो ये क्या कहलाते हैं, विसक्रियणकारी। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ना होता है ऑर्थो और पैरा अनुपात। ठीक है, ये है अपने पास में यूनिट फोर्थ। फिर बात करते हैं लास्ट यूनिट की, लास्ट जो यूनिट दे रखी है ये क्या दे रखी है, एल्किल हैलाइड, और क्या दे रखी है, एरिल हैलाइड। देखिए एल्किल और एरिल हैलाइड क्या है इसमें, देखिए एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन जोड़ दें तो एल्किल हैलाइड, ठीक है, और बेंजीन के साथ में अगर इसको जोड़ दें तब क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। वही कॉमन रिएक्शन, निर्माण की विधियां और इसकी केमिकल रिएक्शंस। लेकिन देखिए एल्किल हैलाइडों में अपन यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहला क्या हो जाए, एक ही जोड़े तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे अपन, डाई हैलाइड, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हैलोजन जो है उनकी संख्या कितनी रखनी है अपन को, दो। फिर क्या पढ़ेंगे, ट्राई हैलाइड। फिर क्या पढ़ेंगे, टेट्रा हैलाइड। देखिए अगर बात करें अपन इनकी कंपाउंड्स की, तो देखो एक जोड़ते हैं तो मोनो हैलाइड है ही,
कितने डिग्री के हो सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। डाई हैलाइड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कौन से होते हैं विस, एक कौन से होते हैं जेम, और एक कौन से होते हैं टर्मिनल। टर्मिनल तो कोई खास नहीं है, जेम किसको बोलते हैं? जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो। और विस जब किसको बोलते हैं? जब एक दूसरे के पास पास वाले पे हेलोजन हो। ट्राई का मतलब हेलोजनों की संख्या 3 और टेट्रा का मतलब हेलोजनों की संख्या 4। यहाँ तो अपन को क्या पढ़ने हैं? CCl4। यहाँ क्या पढ़नी है अपन को? क्लोरोफॉर्म। यानी इनकी बेसिकली रिएक्शंस कौन सी होती हैं और प्लस इनकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं ये। और इसी के साथ में एक जो टॉपिक है वो अपन को पढ़ना है फ्रियोन। फ्रियोन क्या होते हैं? क्लोरो फ्लोरो और कार्बन, ठीक है। यानी क्लोरीन फ्लोरीन किससे जुड़े रहते हैं? कार्बन से। ये क्या कहलाते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है किनका? ना इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का। याद रखना ये अभिक्रियाएँ कौन सी देते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। फोर्थ जो यूनिट थी उसमें सारी अभिक्रियाएं कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। फिफ्थ जो यूनिट है उसमें कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और अगर अपन किसके साथ जोड़ दें? अपन ने कहा एरिल के साथ में अपन ग्रुप जोड़ दें, ये क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइडों के अंदर देखिए अपन को क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है इनका कंपेरिजन। कंपेरिजन वाले क्या पढ़ने? एक तो हो गई इनकी रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक अपन को पढ़ना है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं? आर एक्स। इनके साथ में क्या पढ़ना है अपन को? एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड। ये कौन से हो गए? एरिल हैलाइड। इनके साथ में पढ़ना है एक कौन सा? वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड कौन से होते हैं? तो डबल बॉन्ड के साथ में जब जोड़ते हैं तो वाइनिल हैलाइड। और एक पढ़ने हैं अपन को कौन से? एलिल, ठीक है। एलिल कौन से होते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 अक्स, ठीक है। इनकी क्रियाशीलता जो होती है उनका क्रम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली कंपैरिजन करना है। और दो कंपाउंड बनने हैं, एक DDT और एक क्या पढ़ना है अपन को? BHC। तो ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं किस में से? फिफ्थ यूनिट में से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से यूनिट में से आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है वो आपको बता दिए हैं। इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इनके जितने भी वीडियो जो हैं वो आपको सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।